5000 वर्षों से सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और परंपरा का अप्रतिम और जीता जागता उदाहरण रहा है। हमको अपने मस्तिष्क में यह बात डालना होगा कि जब पूरी दुनिया के पास अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान भी नहीं था, तब हमने चार वेदों की रचना कर दी थी। जब सिकंदर की तलवार में इतनी धार नहीं थी कि उसके किसी भी सैनिक की इतनी औकात नहीं थी कि वो इस मिट्टी के किसी भी कण के माथे पर विराजमान हो सके, और तो और इस धरती के कोख से निकला हुआ एक पत्थर जिसे हम कोहिनूर कहते हैं उसको खरीद सके, इतनी हैसियत पूरे दुनिया की दौलत में नहीं थी। तब जाकर कहीं अल्लामा इकबाल ने लिखा है, यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। और सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। घर में बटा के हाथ, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता के समस्त बाधा हरती है बेटियां, कटु वाक्य बोलने से पहले सोचती है खूब, मन में सहमती है रोती है बेटियां। बेटे हो उदंड भले आपका दुखा दे दिल, बेटे हो उदंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। फिर भी प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। हम बात तो करते हैं कि हम 21वीं सदी के भारत की जनता हैं, किंतु अगर देखा जाए तो हम में से कितने लोग आज भी बेटियों को अभिशाप मानते हैं, उसे टेंशन तथा बोझ समझा जाता है। और जब हमारे देश बहन बेटियां वायुयान तक उड़ा रही हैं, ऐसे में कन्या भ्रूण हत्या जैसा निसंस्कृत हमारे विकासशील देश को केवल और केवल पतन की ओर ले जाएगा। अतः इस निशंसात्मक कृत्य को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि वास्तव में लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, मैं नाट्य मंचन के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा BA.D.वर्ष से बहन निधि त्रिपाठी और बहन निधि पांडे को। आप सब एक बार जोरदार तालियों से दोनों बहनों का अभिवादन कीजिए और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए। रोही क्या बात है, चिंता में बैठे हो? अरे आज तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी है ना, रिपोर्ट से क्या होता है? रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की बस स्वस्थ होना चाहिए। नहीं बाबा नहीं, मुझे लड़के नहीं चाहिए। अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा कि माई के पैसे भरूंगा कि बेटे के दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। मैंने तो अपने बेटे का नाम सनी सोच के भी रखा है जो सूरज की तरह चमकेगा, मुझे बेटे नहीं चाहिए। रोही जमाना बदल गया है, आने वाला टाइम दहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। अरे आजकल का माहौल देखे हो, इतना खराब हो गया है। मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम ऑफिस जाती हो, कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो किसको मुंह दिखाएंगे? मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। रोही आप पढ़े लिखे हो फिर भी ऐसी बात कर रहे हो? ज्योति मैं पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बात कर रहा हूँ। अरे जिंदगी भर स्ट्रगल करके इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, तुम क्या चाहती हो? बेटी की पोस्ट वाले दबकर मैं जो बची कुछ जिंदगी वो भी करवा दूँ? नहीं नहीं, मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो अपना वंश चाहिए बस। रोही आप समझो ना, क्यों नहीं समझ रहे हो? लड़का और लड़की में मैं फर्क नहीं करता हूँ, लेकिन लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। लड़का लड़का में फर्क भी क्या है रोही? बस मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे लड़का चाहिए बस। रोही प्लीज। रोही सर आपकी रिपोर्ट। रोही रिपोर्ट में क्या है, लड़का है या लड़की? बोलो रोही बोलो। ओ माय गॉड, जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ कि तुम्हारे पेट में लड़की है, मुझे लड़की नहीं चाहिए। रोही तुम्हे परेशान होने की क्या बात है, मैं तो बेटी ही चाहती थी। रोही प्लीज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मुझे लड़की नहीं चाहिए, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? रोही मैं
बेटी उससे प्रश्न करती है कि उसको इस संसार में आने क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो उससे बोलती है कि उसको भी इस संसार को देखना है, भगवान परमात्मा के इस बनाए हुए संसार का उसको दर्शन करना है, और माँ उसको समझाती है। तो आप सबके सामने प्रस्तुत है वो दृश्य। अब रोहित को ऐसा स्वप्न आता है कि मानो उसकी पत्नी की कोख में पल रही बेटी उससे आके प्रश्न करती है, मानो कि वह नव दुर्गा के रूप में आती है और उससे प्रश्न करती है कि उसको इस संसार में आने क्यों नहीं दिया गया। रोहित को ऐसा आभास होता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, इसलिए क्योंकि उसने बेटी को कोख में ही मारने का सोचा था। तो और उसके बाद अब आप सबके सामने पेश है दृश्य। नहीं जा सकती, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे लड़का नहीं देना।
अब रोहित को स्वप्न आता है कि उसकी पत्नी की कोख में पल रही बेटी नव दुर्गा के रूप में आकर उससे प्रश्न करती है। अब आप सब आगे पेश हुए इस दृश्य का लुक आप सब यहाँ? हाँ मैं बेटी हूँ। आप सब यहाँ क्यों? ब्रह्मा जी ने हम सबको मिला के बेटी को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें मैं लक्ष्मी हूँ। मैं सरस्वती। मैं दुर्गा। मैं पार्वती हूँ। मैं ही काली हूँ। मैं ही संतोषी हूँ। मैं ही ज्वाला और मैं हूँ अन्नपूर्णा। ब्रह्मा जी ने हम सबको मिला के बेटे को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें धन संपत्ति प्रदान करूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति प्रदान करूं। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश कर दूं। मैं संतोषी बनकर तुम्हारे मन को शांति प्रदान कर दूं। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी ला दूं। और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी ये बेटियों को कोख में मार दिया। हमारा क्या कसूर था बताओ? मुझे हमें कोख में क्यों मारा? मैं बेटी के मुंह में आ गया था। अरे मोर, हालात को दोष मत दो। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। हालात को दोष मत दो मोर। आजकल के हालात तुम जैसे लोगों ने ही बनाए हैं। बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं होता। बेटी वंश होती है। बेटा अंश होता है तो बेटी वंश होती है। अगर बेटा बेटी पहचान होती है, बेटी देश की शान होती है। होश की बूंद से होते हैं बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा दर्द हो तो रोते हैं बेटियाँ। अगर बेटियाँ ना रहें तो कुछ ना होता। इसलिए खुला आसमान होती है बेटियाँ। मैं ये नहीं समझ पाया था। मैं बेटी के मुँह में आ गया था क्योंकि बेटा वंश बढ़ाता है। अगर बेटा वंश बढ़ाता है तो बेटा वंश है तो बेटे अंश है। अगर बेटा शान है तो बेटी मान है। होश की बूंद से होते हैं बेटियाँ। माँ बाप की पहचान होते हैं बेटियाँ। अरे मोर, अगर तुम्हें मारना था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? अपनी बेटी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों नहीं मारा? हमारा क्या कसूर है बताओ? हमें क्यों मारा? मुझे माफ कर दो। अरे मोर, तुम ही हमारे मंदिर में आते हो, हम पर चुनरी उड़ाते हो, करुणा बरसाते हो और मंदिर में आके हमसे फल मांगते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिर में आने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। यहाँ पे सभी को बेटा चाहिए, बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बेटा बेटे में कोई अंतर है? सभी को बेटा क्यों चाहिए, बेटे क्यों नहीं चाहिए बताइए? आप सब, हमारा क्या कसूर है? क्यों बेटियाँ गर्भ में ही मार दी जाती हैं बताइए? मेरी बच्ची, मैं नहीं समझ पाया था। मुझे माफ कर दो। आप लोग इस सभा की गरिमा को बनाए रखिए और आपके सामने जो भी प्रस्तुतियां हो रही हैं उसमें अपना सहयोग दीजिए और शांति से इसको देखिए। रोहित नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ तुम जिंदा हो? हाँ, क्या हुआ? भगवान का लाभ प्राप्त हो रहा है। तुम जिंदा? मेरी बेटी। कौन बेटी? आप तो बेटा चाहते थे। नहीं ज्योति, अब मैं समझ गया हूँ। हमको बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हाँ रोहित, बिल्कुल सही कह रहे हो। बेटी और बेटे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ रोहित, हमें अपने जीवन की गाड़ी को चलाना है तो बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं करना होगा। हमें सबसे पहले बेटी को बचाना होगा। और हाँ रोहित, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सब लोग बेटी को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। हमारे सर लोग भी और ऑल स्टूडेंट भी, सब लोग हमारे साथ हेल्प करेंगे।